पूछताछ के लिए बुलाया गया था, तब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और गिरफ्तारी के बाद उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया था और पेशी के बाद ईडी को कोर्ट से 6 दिनों का रिमांड मिला था और 6 दिनों के बाद ये रिमांड अवधि 5 दिन और बढ़ाई गई थी, उसके बाद 3 दिन और बढ़ाई गई थी और आज 14 दिनों की जो रिमांड अवधि है आज खत्म हो गई है और उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया है। 14 दिन की बात करूँ तो 14 दिन में कई सवाल जो है मंत्री आलमगीर आलम से पूछे गए हैं, उनके संजीव लाल से कैसे रिश्ते थे और पैसे का सोर्स क्या था इससे जुड़ा भी सवाल था, जहांगीर आलम तक पैसे कौन पहुँचाता था और संजीव लाल का इसमें क्या कुछ रोल था ये भी सवाल पूछे गए थे। हालाँकि तमाम सवालों का जवाब जो था वो मंत्री आलमगीर आलम दे रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि वो इस पूरे जो अगर मुद्दे की बात कर ले, पूरे मसले की बात कर ले और जो पूरी कार्रवाई चल रही है और जो पैसे की बरामदगी हुई थी उसमें कहीं ना कहीं अपने संलिप्तता से उन्होंने इनकार किया था और ये कहा था कि पैसे उनके नहीं हैं, लेकिन जहांगीर आलम संजीव लाल ने कहीं ना कहीं इस बात को क्लियर कर दिया था कि जो पैसे बरामद हुए हैं वो संभवतः मंत्री आलमगीर आलम के ही है, तो ये उन पर बड़ा आरोप लगा था और इसी के तहत ईडी ने कार्रवाई की थी और उसके बाद लगातार जो है कार्रवाई देखने को मिल रही है। बीते दिनों भी रांची के 2 से 3 ठिकानों पर ईडी ने अपनी दबिश दी थी और वहाँ से भी कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और कुछ हार्ड डॉक्यूमेंट जो थे हार्ड कॉपी वो बरामद किए थे और मामले में जो है अभी भी जांच चल रही है। और अगर बात करूं ग्रामीण विकास विभाग के कुछ अधिकारियों की तो कुछ अधिकारियों भी जो है उन्हें भी समन ईडी की ओर से किया जा सकता है, वो भी ईडी के रडार पर है। साथ ही मनीष रंजन जो कि ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव हैं आईएएस है, उन्हें ईडी ने समन भेजा था और उनसे 28 मई को पूछताछ हो चुकी है, फिर से एक बार समन भेजा है, तीसरा समन भेजा गया है और उनसे पूछताछ होनी है। मामले को लेकर कई खुलासे जो हुए हैं कहीं ना कहीं उसमें उनका भी नाम था और ये कहा जा रहा था कि कमीशन का जो एक हिस्सा था वो मनीष रंजन तक पहुंचता था, ये भी बड़ा आरोप जो है आईएएस पर लगा है और उनसे भी पूछताछ होनी है। हालांकि इससे पहले भी जो पूछताछ हुई उसमें बहुत सारे बातों का, बहुत सारे सवालों का जवाब वो नहीं दे पाए हैं। ईडी ने बहुत सारे डिटेल्स मांगे हैं, जो डिटेल्स लेकर उन्हें पहुंचना है 3 जून को और साथ ही सोमवार तक एक फॉर्म भरकर जो है वो जमा करना है ईडी कार्यालय में। तो आने वाले समय में हो सकती है कि मनीष रंजन के साथ साथ और लोगों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन बात करूँ अभी की तो हो सकता है कि आज ईडी जब कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है तो कोर्ट में हो सकता है 14 दिन में क्या कुछ इनपुट्स पूछताछ में निकले हैं, क्या कुछ जो है सवालों का जवाब मंत्री आलमगीर दे पाए हैं, कितना खुलासा हुआ है, किन लोगों की पूरे मामले में संलिप्तता है, क्या कुछ रोल रहता था और भी लोगों का, मंत्री आलमगीर आलम का, इसको लेकर भी हो सकता है कि आज कोर्ट में खुलासा हो। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इसके बाद क्या कुछ होता है। ये संभवतः ये बताया जा रहा है कि यहाँ से न्यायिक हिरासत में मंत्री आलमगीर आलम को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया जाएगा। देखने वाली बात होगी कि जो पेशी के बाद क्या कुछ होता है, क्या कुछ और भी इनपुट्स ईडी कोर्ट के समक्ष रखती है या फिर कुछ अलग का सीन जो है वो देखने को मिलता है, तो इंतजार करना होगा। कुछ देर में हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और क्या कुछ कोर्ट में हुआ है वो बताने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार आचार्य।